फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो ये जानना चाहते हैं, उनके सवाल आए हैं हमारे चैनल पर, उनकी क्वेरीज आई हैं कि हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हमारे बच्चे को ब्रेसिस ट्रीटमेंट की नीड है। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू बैक अगेन टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो ये जानना चाहते हैं, उनके सवाल आए हैं हमारे चैनल पर, उनकी क्वेरीज आई हैं कि हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हमारे बच्चे को ब्रेसिस ट्रीटमेंट की नीड है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहूँगी इस वीडियो से। तो ऑल द फ्रेंड्स, कम ऑन, जॉइन अस फॉर द कमिंग वीडियो। चलिए सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आपको किस एज पर अपने बच्चे को ब्रेसिस चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइडियली द एज फॉर फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक चेकअप या फर्स्ट चेकअप फॉर ब्रेसिस ट्रीटमेंट इज 7 ईयर्स, यानी 7 साल एक अप्रोप्रिएट टाइम है जब आप अपने बच्चों को ब्रेसिस के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास चेकअप के लिए ले जा सकते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम इससे थोड़ा पहले अर्ली एज में भी स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे 5 या 6 साल की एज में, तो यू आर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द चेकअप। और इवन इसके बाद अगर आपको लगता है अराउंड 8 to 12 ईयर्स के बीच में अगर आपको कुछ लगता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली आप ब्रेसिस चेकअप के लिए ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब आगे चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि क्या वो ऐसे साइंस हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार के ब्रेसिस ट्रीटमेंट की नीड हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों को आपको ये देखा है कि उनके दूध के दांत समय से पहले निकल रहे हैं, या फिर जो समय वो निकल जाने का है और पक्के दांत आने का समय है, उसके बाद भी दूध के दांत नहीं निकल रहे हैं, यानी कि दूध के दांतों का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम वो निकलते हैं और पक्के दांत आते हैं, वो टाइम पीरियड जो है वो सही से फॉलो नहीं हो रहा है उनके माउथ में, और उनका ऑक्लूजन इससे डिस्टर्ब हो सकता है और उनके परमानेंट टीथ जो हैं वो उनकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं और मैल ऑक्लूजन क्रिएट हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के दूध के दांत समय से निकल जाएं और जो पक्के दांत हैं, जो परमानेंट टीथ हैं, वो समय से आपके इरप्ट हो जाएं। अगर इनमें से दूध के दांत इरप्ट नहीं हुए हैं और आपके बच्चे के परमानेंट टीथ आ गए हैं, तो ये भी आने वाले समय में एक मैल ऑक्लूजन को क्रिएट करता है। तो आपको जल्द से जल्द ऐसी स्थिति में अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको आपका बच्चा कंप्लेन करता है कि उसको खाना चबाने में, उसके दाँतों में किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है, वो प्रॉपरली अपने खाने को फाइन साइज पार्टिकल्स में च्यू करके नहीं खा पा रहा है, या उसको आगे के दांतों से बाइट करने में दिक्कत हो रही है, यानी प्रॉब्लम्स इन च्यूइंग एंड बाइटिंग द फूड, डेफिनेटली आपको ब्रेसिस चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने ये नोटिस किया है हाल ही में कि आपका बच्चा जो है नाक से सांस लेने के साथ साथ मुंह खोल कर भी बहुत समय तक रहता है, विच इंडिकेट्स दैट योर चाइल्ड इज हैविंग माउथ ब्रीदिंग हैबिट, तो अगर उसको मुंह से सांस लेने की हैबिट ग्रेजुअली बनती जा रही है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अपने बच्चे की प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझ लेना चाहिए।